नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। यूडीए के तमाम साथियों के साथ आज यशवंत सिन्हा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे, राजभवन पहुंचे। बिहार के तमाम क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया था, अभी उसका ज्ञापन लेकर वो पहुंचे थे, लेकिन क्या कुछ हुआ अंदर खुद बता रहे हैं यशवंत सिन्हा। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को हम लोग पहले सूचित कर चुके हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो हम लोगों के अलायंस का नाम है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की यूडीए की एक टीम, आप लोग आगे से जाइए ना, 3 दिनों के दौरे पर निकली थी। 3 तारीख को, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त, और इन 3 दिनों में हम लोगों ने उत्तर बिहार के कई जिलों का दौरा किया जो बाढ़ग्रस्त थे, और हम लोगों ने जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे अनेक स्थानों पर मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और हम लोगों ने पहले ही तय कर रखा था कि इस दौरे के बाद हम लोग एक सारगर्भित डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे और एक ज्ञापन के रूप में उसको राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे। तो इसलिए वो ज्ञापन आज हम लोग सौंपने के लिए आए राजभवन। ज्ञापन में मुख्य रूप से कौन कौन थे हमारी टीम में उसका जिक्र है, उसकी कॉपी आप सब लोगों को उपलब्ध करा दी गई है या करा दी जाएगी। कहाँ कहाँ हम लोग गए, क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या हम लोगों ने देखा और सुना, और अंत में हम लोगों ने उसमें 7-8 सुझाव दिए कि आज भी सरकार को क्या करना चाहिए। और मैं बहुत वेदना के साथ इस बात को आपसे कहना चाहूँगा कि हर जगह हम लोगों को यही शिकायत मिली बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करने के बाद कि कहीं कोई सहायता उनको नहीं पहुंची है, और जो 2 तटबंधों का इलाका है झंझारपुर में, उसमें तो सरकार ने पूरे बाढ़ से ग्रसित है लेकिन सरकार ने उनको बाढ़ पीड़ित माना ही नहीं है, कमला और बलान के बीच में। तो इसलिए वहाँ पर कोई राहत की सामग्री या राहत का सामान पहुँचने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इस बात की बहुत शिकायत वहाँ पर मिली। हम लोग अंत में पूर्णिया तक गए और वहाँ हम लोगों ने बाढ़ पीड़ितों से मिल के अपनी यात्रा को समाप्त किया, और रिपोर्ट हम लोगों ने अभी राज्यपाल महोदय को दिया है। अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमें घोर खेद है, अफसोस है इस बात का कि राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार की टीम, जैसे हम लोग जैसे लोग रोज इनके यहाँ दस्तक लगाने आते हैं, इस प्रकार की टीम से मिलना उचित नहीं समझा। और कल हम लोगों को बता दिया गया कि राज्यपाल महोदय समय नहीं देंगे हम लोगों को, और हम लोग चाहें तो आकर यहाँ पर उनके किसी पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप देंगे। अभी हम लोग अंदर जब गए थे तो इनके सचिवालय के अवर सचिव, प्रधान सचिव भी नहीं, अवर सचिव आए और हम लोगों ने उनको अपना ज्ञापन सौंप दिया है, और ये भी उनको कहा बता देने को राज्यपाल महोदय को कि हम लोगों को इस बात का खेद है कि उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर समय देने से इनकार किया। बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह है, 75 लाख लोग आज बिहार में बाढ़ से पीड़ित हैं, 75 लाख लोग, और पूरा उत्तर बिहार का भूखंड आज बाढ़ की चपेट में है। लोग कहाँ रह रहे हैं, लोग नेशनल हाईवे पर रह रहे हैं, लोग तटबंधों पर रह रहे हैं, कोई भी ऊंचा स्थान है वहाँ पर किसी भी फटे हुए चादर के नीचे, पतले प्लास्टिक के नीचे, त्रिपाल के नीचे
रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर हम सब खड़े हैं मास्क लगा के, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है। आप जाकर देखिए यही मुजफ्फरपुर और उसके आगे कि किस परिस्थिति में आज बिहार के लोग, बाढ़ पीड़ित लोग रहने को मजबूर हैं, और वहाँ क्या हो रहा है कोरोना का, जो मवेशी के साथ छोटे से, जहाँ हम लोग खड़े हैं ना, इतने ही आकार के तंबू में या जो भी कह लीजिए उसमें रहने को मजबूर हैं। कोई इंतज़ाम उनके लिए नहीं हुआ है, कोई इंतज़ाम मवेशियों के लिए नहीं हुआ है, और बिहार सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम लोगों की टीम बाई रोड निकल पड़ी, तब यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को होश आया और वो हवाई हेलीकॉप्टर से दरभंगा पहुँचे, उसके बाद और वाल्मीकि नगर और एक दो जगह गए। कोई मंत्री बिहार का निकल नहीं रहा है, किसी को समय नहीं है कि वो लोगों के साथ जाकर संवाद स्थापित करे। इस कमी को दूर किया हम लोगों ने, और जैसा हम सबको करना चाहिए था कि हम लोगों ने रिपोर्ट बना के राज्यपाल महोदय को सौंप दिया है। हम आशा करते हैं कि उस पर कार्रवाई होगी। हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मांग उसमें की है कि 75 लाख लोग और एक बड़ा भूभाग बिहार का आज प्रभावित है बाढ़ से। इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए, इस परिस्थिति में इसको बिहार सरकार को, भारत सरकार से आग्रह करना चाहिए कि इसको राष्ट्रीय आपदा, नेशनल कलामिटी घोषित करो। खाली प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री से बात कर लेना काफ़ी नहीं है, प्रधानमंत्री को तो स्वयं आना चाहिए था कम से कम हवाई सर्वेक्षण करने के लिए बाढ़ का, वो तो अभी तक आए नहीं यहाँ पर। तो सब लोग डर के घर में दुबक के बैठे रहेंगे और बिहार की जनता को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देंगे, तो ये कतई उचित नहीं है। और हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि पटना में बैठ के बयानबाजी करना राजनीति नहीं है। जो लोग पटने में बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं ना, बिना स्पॉट पर गए, हम लोग तो वो जो पुल टूट गया था अप्रोच रोड, वहाँ पर भी गए देखने के लिए, तो हम लोग डर नहीं रहे हैं, न पुलिस से डर रहे हैं, ना कोरोना से डर रहे हैं। अपना जो फर्ज है जनता के प्रति उसको निभा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए, सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। तो आपने सुना यशवंत सिन्हा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि तमाम क्षेत्रों में वो गए थे, वहाँ पर क्या कुछ हुआ था, उन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है। लेकिन सबसे दुख की बात है कि राज्यपाल ने इनसे मुलाकात नहीं की। अपने तमाम साथियों के साथ पहुँचे थे, नागमणी थे और भी कई पूर्व सांसद थे, तमाम लोगों के साथ वो पहुँचे थे। तो देखने वाली बात होगी कि तमाम जो इन्होंने बातें कही हैं बाढ़ को लेकर और तमाम मामलों को लेकर, सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में वो और भी कुछ करेंगे, और उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री अब तक क्यों नहीं बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।